अस्सलाम वालेकुम, हाय, दिस इज अवेस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एलाइजा के ऊपर। एलाइजा मींस एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट असाई। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक व्हिच इज रियली हेल्पफुल इन मेडिसिन डायग्नोसिस और डिफरेंट रिसर्च पर्पस। नाउअडेज दिस टेक्निक यानी एलाइजा इज रिप्लेस बाय पीसीआर बिकॉज ऑफ इट्स लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रॉपर्टी। नाउ हम लोग बात करते हैं कि एलाइजा के वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो क्या क्या फंडामेंटल बेसिस हैं जिसके ऊपर ये एलाइजा बेस्ड करती है। इसके अलावा इसकी कितनी टाइप्स हैं, उस टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट स्टार्ट कि बेसिकली एलाइजा है क्या, इसकी क्या ओरिजिन है और व्हाट इट इज़, व्हाई इट इज़ एंड हाउ इट इज़। ठीक है, सो द एलाइजा और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बिंग, लेट अस इलस्ट्रेट द टर्मिनोलॉजीज वी आर यूजिंग इन एलाइजा। एंजाइम, वी ऑल नो व्हाट इज एंजाइम लिंक्ड। इम्यूनो मीन्स ऑल द कंपोनेंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन इम्यून सिस्टम लाइक एंटीजन एंटीबॉडीज सेल्स इम्यून सेल्स एंड डिफरेंट प्रोटीन्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये सॉर्बेंट और असाई का क्या मतलब? असाई मीन्स टू असिस्ट समथिंग और टू नो समथिंग और टू फाइंड समथिंग। यानी इस चीज़ यानी बेसिकली हम लोग को इसके अंदर एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना होता है, वी ऑल नो ना, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे इसकी बेसिक डेफिनेशन के ऊपर। लेकिन असाई मीन्स टू डिटेक्ट और टू नो समथिंग, ठीक है। एंड सॉर्बेंट मीन्स अटैच्ड और स्टेगनेंट, स्टेगनेंट यानी रुका हुआ। एलाइजा वॉज इन्वेंटेड इन 1971 बाई टू साइंटिस्ट। वन वॉज एवा एंगवेल एंड अदर वॉज पीटर पर्लमैन। एवा एंगवेल वॉज अ लेडी एंड पीटर पर्लमैन वॉज अ मैन। सो ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1971 में एलाइजा को इन्वेंट किया। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स व्हाट इज एलाइजा। सो एलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बिन असाई, यानी एंजाइम्स की मदद से हम लोग इम्यून्स यानी इम्यून सिस्टम के अंदर, बेसिकली इम्यून का मतलब यहाँ पर है एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। सो बेसिकली एलाइजा एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर सैंपल में एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये माजी में हम लोग डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल अगर ये कोरोना अल्लाह ना करता अगर 1990s के वक्त आता तो उस वक्त जो हम लोग चीज़ यूज़ करते उसको उस कोरोना को फाइंड करने के लिए वो एलाइजा होता। हम लोग उसके एंटीजेंस को और उनकी उसकी अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ इम्यून सिस्टम बनाएगा उसको डिटेक्ट करके किसी भी पर्सन के अंदर कोरोना की प्रेजेंस या एब्सेंस को हम लोग मेंशन करते हैं कि आया ये कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव है। सो एलाइजा इज अ टेक्निक बाय विच वी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस और एंटीबॉडीज इन अ पर्टिकुलर सैम्पल विद द हेल्प ऑफ सम प्रिंसिपल्स विच इज नॉन एज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असाई। यानी कि इस तरह की टेक्निक है जिसमें हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, वो इस एंटीजेंस या फिर एंटीबॉडीज के साथ अटैच होते हैं और वो किसी खास सब्सट्रेट को विच इज़ कलरलेस और उसको कन्वर्ट करते हैं टू कलरफुल, और उसकी जो कलर आता है यानी जब हम उसके कलर को देखते हैं तो वो जो उसका इंडिकेशन है यानी उसकी जब वो कलर आता है तो इट वर्क्स एज एन इंडिकेटर कि दैट पर्टिकुलर एंटीजन और एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन योर सैंपल। ठीक है, लेट अस राइट द बेसिक डेफिनेशन। ये क्या है? टेक्निक है किस चीज़ की? टेक्निक टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी। ये डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप यूज़ कर रहे हैं। अगर सिंपल एलाइजा है तो फिर तो एंटीजन्स डिटेक्ट होते हैं, लेकिन अगर सैंडविच है वो एंटीबॉडी होती है। नाउ एलाइजा इज अ टेक्निक विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन्स और एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन अ सैंपल। क्या है, हम लोग इसमें क्या करते हैं? एंटीजन या फिर एंटीबॉडी की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। हाउ? एंजाइम्स की मदद से। यानी एंजाइम्स किसी ऐसे प्रोडक्ट को जो कलरलेस होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ कलरफुल प्रोडक्ट, यानी सब्सट्रेट को कलरफुल प्रोडक्ट में सब्सट्रेट प्रोडक्ट विच इज़ कलरफुल, और इसका जो कलर है वो मशीन डिटेक्ट करती है और फिर हमें उसकी प्रेजेंस या फिर एब्सेंस की साइन मिल जाती है। ठीक है, सो ये जो एलाइजा है इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है एंटीजन एंटीबॉडी
इंटरेक्शंस। यानी जो अलाइजा है इट वर्क्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। एज वी नो कि हमारे पास जो एंटीजेंस और एंटीबॉडी होते हैं हमारे पास लिविंग सिस्टम में एक बहुत ही वेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है और बहुत ही वेरिएबल अमाउंट में प्रेजेंट है। देर आर डिफरेंट वराइटीज ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज इन अवर लिविंग सिस्टम। और हमें यह भी पता है कि एक पर्टिकुलर एंटीजेंस एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है और इंटरेक्ट करता है और उसी के साथ ही रिएक्ट कर सकता है, यानी इंटरेक्ट कर सकता है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होता है इवन के एलाइजा में भी इस तरह के कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस हैं जिसमें हमारे पास एक एंटीजेंस मोर देन वन एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसमें एक एंटीबॉडी मोर देन वन एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करती है। सो दैट्स इट के जो हमारे पास एंटीजेंस और एंटीबॉडी के इंटरेक्शंस होते हैं वो एक पर्टिकुलर होते हैं, मतलब एन एंटीजन विल इंटरेक्ट विद अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी। तो इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं एलाइजा के अंदर। बात करेंगे बाद में कि किस तरह से उसको एक्चुअल में यूज़ करते हैं, लेकिन पहले इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शंस हैं ये बेसिकली हैं क्या। सो आइए बात करते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस के व्हाई दिस एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस आर वेरी स्पेसिफिक और इसकी बेसिकली बिहाइंड साइंस क्या होती है। ठीक है, सो राइट देयर आई हैव ड्रॉन अ वेरी सिंपल एंटीबॉडी। बेसिकली ये सिंपल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, जो डिफरेंट वैराइटीज होती हैं एंटीबॉडीज की वो इसी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं या फिर इसके अंदर अमीनो एसिड सीक्वेंस का वेरिएशन होती हैं, ऊपर नीचे होते हैं अमीनो एसिड सीक्वेंस। नाउ एंटीजेंस के ऊपर अगर बात करें उसकी कोई खास फिक्स शेप है नहीं। देर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीजेंस आर फॉर्म्ड प्रेजेंट एंड वर्किंग। यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन्स भी होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं, इसके अलावा शुगर वाले भी होते हैं। मतलब एंटीजेंस की शेप की उसकी कंपोजिशन की बहुत वैरायटी। लेकिन बात आती है एंटीबॉडी की, सो एंटीबॉडी आर मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो हैवी चेन्स होती है एंटीबॉडी। अच्छा, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को बिकॉज इसकी एक अलग दुनिया है, इसके ऊपर अगर बात करते हैं तो मोस्टली इट मोस्ट ऑफ द टाइम विल गो देयर। ठीक है, नाउ बट हम लोग ये बात करते हैं कि दीज आर हैवी चेन्स, ये जो ब्लैक में शो हुई हैं heavy chains, ठीक है, and these red ones are light chains, ठीक है, and this blue is known as hinge, जिसको अटैच करके रखता है दोनों दो heavy chains के पेयर को और दो light chain के पेयर को, इसको हम लोग hinge कहते हैं। Now, one thing I missed here is that this area, this region, this which I have highlighted or made in box. Now this very this regions or this points of Y shaped antibody simple structure is known as variable region. Right? अच्छा, एक और चीज़। Now antibodies के हमारे पास basically पांच type होती हैं। इसको आप लोग gamed से याद रखते हैं, GAMED, gamed antigen E, sorry antibody G, antibody A, antibody M, antibody E and antibody D. ये जो एक टाइप होती है ना, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी जी, इसमें भी बहुत सारी टाइप्स होती है, लेकिन इस एंटीबॉडी जी की अगर बात करें फॉर एग्जांपल, तो ये जो उसका रीजन्स होते हैं ना इनबॉक्स जिसको मैंने बनाया, ये वेरिएशंस होते हैं इसके अंदर। मतलब इसके अंदर जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है, ये तो हमें पता है कि एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। सो यहाँ पर जिसको हम लोग पैराटॉपिक कहते हैं, आई होप यू कैन वॉच इट, पैराटॉपिक, यानी ये जो वेरिएबल रीजन्स होते हैं, यानी जो जाके इंटर्न्स एंटीजेंस के साथ अटैच होते हैं, दिस आर नोन एज वेरिएबल रीजन्स एंड आल्सो नोन एज पैराटॉप। यानी इनके अमीनो एसिड सीक्वेंस बहुत वेरिएबल होते हैं, पीछे सारे सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एंटीजन जी की, तो इसमें जितनी भी एंटीबॉडीज आएंगी उन तमाम की ये जो बॉक्स के बाहर का जो रीजन है वो कॉमन रहेगा, लेकिन जो बॉक्स के अंदर का रीजन है उसका अमीनो एसिड सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज रहता है, जिसकी वजह से हर एंटीबॉडी को उसकी एक अलग यूनिकनेस मिलती है। और यही अमीनो एसिड सीक्वेंस डिसाइड करता है कि जब इसके साथ आके कोई एंटीजन अपना एपिटॉपिक रीजन अटैच करता है। शुड बी रिमेंबर एंटीबॉडी एंड एंटीजेंस, एंटीबॉडी एंड एंटीजन जब अटैच होते हैं तो एंटीबॉडी का पैराटॉपिक, ठीक है, रीजन यानी ये, और इसका एपिटॉप मिलते हैं। और इन दोनों के जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं, दे हैव, लेट मी राइट, कॉम्प्लीमेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस। मतलब एंटीजन एंटीबॉडी की पैराटॉपिक रीजन्स और एंटीजेंस की एपिटॉपिक रीजन्स के जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं वो पोलैरिटी वाइज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यानी अटैचेबल होते हैं। दैट्स वाई दे गॉट देयर यूनिकनेस, दैट अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी और अ पर्टिकुलर एंटीजन विल
अटैच विद देयर रिस्पेक्टिव एंटीजेंस एंड और देयर रिस्पेक्टिव एंटीबॉडी, या देर आर सम केसेज जहाँ पर ये रूल वायलेट होता है और दिज आर नोन और ये एक्सेप्टेड है, ये प्रूफ्ड है, लेकिन मोस्टली केसेज में ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एंटीजेंस अटैच विद पर्टिकुलर एंटीबॉडी। दैट्स वाई हम लोग जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं कोई दूसरा, फॉर एग्जाम्पल अलग अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो, या फिर ऑपरेशन होता है जिसमें ब्लड लॉस होता है, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि ब्लड लगता है और हर एक पर्टिकुलर इंसान को एक पर्टिकुलर ब्लड लगता है। वाई? बिकॉज एंटीजन और एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन होते हैं जो कि अगर उस रेलिवेंट बंदे में रेलिवेंट ब्लड नहीं डलेगा वो होते हैं, और उसकी वजह से इंसान जो है वो मर भी सकता है। तो इट्स टू हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स और एनी काइंड ऑफ एनिमल्स विच आर डीलिंग विद एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो पैराटॉपिक रीजन होते हैं इसका जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है इट इज हाइपर वेरिएबल। यानी अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके बनाऊँ, लेट मी ड्रॉ इट सो इट विल मेक मोर सेंस। मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा मज़ीद मैग्नीफाई कर दीजिए, एंड दिस, ये पीछे वही बाकी जो नॉर्मल कॉमन रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर ना अगर मैं बात करूँ ये रीजन, ये जो मैं इस पेन से आपको ब्लू कलर में शो करवा रहा हूँ, आई एम सो सॉरी दैट आई एम रोटेटिंग इट, या ये जो मैंने ब्लू कलर में यहाँ पर भी, यानी लाइट चेन के ऊपर और हाई और हैवी चेन के ऊपर जो मैंने ये ब्लू कलर शो करवाया है, इस रीजन के ऊपर जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर हाइपर वेरिएबल, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं बिकॉज दे हैव टू अटैच विद देयर रिस्पेक्टिव एंटीजेंस। राइट, सो आई होप सो कि यहाँ पर आपका जो एंटीजन एंड एंटीबॉडी का जो इंटर रिएक्शन है उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा और आपको फर्दर एलाइजा को समझने में थोड़ी आसानी होगी। सो पीछे हमने बात की कि एलाइजा है क्या, उसको हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, और देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कि वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड करता है, उसको हम लोगों ने इलस्ट्रेट भी किया थोड़ा सा, आई होप सो कि वो क्लियर होगा। सो नाउ लेट अस टॉक इन कि व्हाट एक्चुअली एलाइजा इज़ और इसको किस तरह से हम लोग बेसिकली परफॉर्म करते हैं और होता क्या है। सो ये जो आपको ऊपर मशीन नज़र आ रही है, दिस इज़ बेसिकली एलाइजा मशीन। ठीक है, इसको हम लोग एलाइजा मशीन कहते हैं, और इसके ऊपर, इसके अंदर हमारे पास एक पॉलीस्टायरीन, किसकी, पॉली स्टाइलिन की ट्रे होती है, राइट, उसमें हमारे पास अप टू 96 वेल्स होते हैं, ये वाली जो आपको यहाँ, दिस वन, एज यू कैन सी दिस इज अ वाइट प्लास्टिक, राइट, और इसमें आपके बहुत सारे होल्स नजर आ रहे हैं, दिस होल्स आर वेल्स, क्या ये वेल्स, यानी ये वो रीजन्स हैं जहाँ पर आपकी एंटीजेंस और एंटीबॉडी को रिएक्शंस हैं, यानी जो एक्चुअल में एलाइजा परफॉर्म होता है वन वेल्स के अंदर होता है। ये आपको 96 होते हैं, और किस किसी मतलब किसी किसी मशीन में जो नई आई है जो पुरानी है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन एवरेज हमारे पास 96 वेल्स होते हैं। ठीक है, इन एन एलाइजा ट्रे। नाउ सो ये ट्रे, इसके अंदर हम लोग एलाइजा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग ऊपर से बात करते हैं कि बेसिकली एलाइजा के जो बेसिक वर्किंग टेक्निक है वो होता क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये एक पॉलीस्टायरीन की ट्रे है, दिस इज द ट्रे, राइट, राइट, और ये ऊपर बहुत सारे इस तरह छोटे 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 होल्स हैं, राइट। अब हमने क्या किया है, हमने इसमें से एक होल को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया है आपको, राइट, दिस इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, देन वी आर वॉचिंग इट कि बेसिकली हो रहा है, बेसिकली देख नहीं सकते हैं बिकॉज इट्स टू स्मॉल बट वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व। ठीक है, और यहाँ से ऊपर आप देख रहे हैं, राइट। नाउ टैप से बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बेसिक टेक्निक पे बात करें कि बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जनरल एलाइजा में, सपोज कीजिए ये आपके पास वो सैंपल है, दिस इज अ सैंपल, और इस सैंपल के अंदर आपके पास एक पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट है, जिन नहीं है, जीन है, एंटीजन, और उसको आपको डिटेक्ट करना है इस एलाइजा की मदद से। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले अच्छा, शुड बी रिमेंबर दिस पॉलीस्टायरीन इज वेरी कैची, बहुत ज़्यादा अटैचेबल है, या इन टर्म्स कैची है, किसके लिए, इन एंटीजेंस के लिए,
या फिर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए, बिकॉज एंटीजेंस ऑफ कोर्स पोलर होते हैं, दैट्स वाई, या समटाइम्स नॉन पोलर भी होते हैं लेकिन मोस्टली एंटीजन पोलर होते हैं. यानी इन शॉर्ट ये कि पॉलीस्टायरीन इज वेरी अटैचेबल और कैची फॉर दिस एंटीजन. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक माइक्रो पेपर लेंगे, यानी एक जेस्टर होता है, उसकी मदद से हम लोग सैंपल छोटी छोटी जगहों के अंदर इंसर्ट करते हैं और वो बहुत माइन्यूट लेवल हमको सैंपल लेने में मदद करते हैं. तो हम सबसे पहले एक जेस्टर होता है, उसकी मदद से सैंपल लेते हैं और उसको इस तरह से होल में डाल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, ये वो जेस्टर है, मे यू हैव सीन इन योर लेबॉरटरीज, इस तरह से होता है और यहाँ पर उसकी रीडिंग्स लगी होती है और यहाँ से ऊपर से आप लोग उसको रोटेट करके उसकी मेजरमेंट या फिर उसका अमाउंट जो आपको सैंपल चाहिए उसको एडजस्ट करते हैं. तो हम लोग उसको इस सैंपल को वेल के अंदर भर देते हैं इस तरह से. सो फॉर एग्जाम्पल सपोज़ कीजिए उसके अंदर जितने भी एंटीजेंस थे, ठीक है, जितने भी एंटीजेंस थे वो सब यहाँ पर अटैच हो गए. मैं सिर्फ यहाँ पर तीन कंसिडर करता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल वन इज़ एंटीजन एम, ठीक है, वन इज़ एंटीजन डब्ल्यू एंड वन इज़ एंटीजन ओ. नाउ हमें जो चाहिए, यानी हमें जो चीज़ डिटेक्ट करनी है वो है ओ, राइट. अच्छा, एंटीजेंस डालने के बाद हम लोग, यानी एंटीजेंस आपने क्या किया, जस्ट से उस हॉल के अंदर एंटीजन डाल दिया, ठीक है, यानी जितना भी आपके पास सीरम था, ब्लड सीरम था, या जितनी भी आपके पास एंटीजन कलेक्शन थी आपने उस वेल के अंदर डाल दी. अब आपको उस एंटीजेंस में से अपना पर्टिकुलर एंटीजन सेलेक्ट करना है. आफ्टर एडिंग द एंटीजन वी विल एड ब्लॉकिंग सब्सटेंस. नाउ ये क्या है, तो एज वी नो कि पॉलीस्टायरीन की जो ये वेल है ये बहुत ज़्यादा कैची है, ये हर चीज़ को अपने साथ अटैच कर सकता है. नाउ वी हैव टू ऐड मोर थिंग्स, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज भी ऐड करनी है, बफर्स भी ऐड करने हैं. तो अगर वो अटैच होकर निकलेगी नहीं तो हमारा तो सारा काम खराब हो जाएगा. सो वी हैव टू ब्लॉक दिस रीजन सो दैट इट कैन नॉट अटैच विद एनी अदर थिंग लाइक डस्ट और अदर सब्सटेंसेस विच वी आर गोइंग टू ऐड. तो उस टाइम पे हम लोग ब्लॉकिंग एजेंट्स यहाँ पर डालते हैं. सो वो क्या करते हैं, वो यहाँ इस रीजन के ऊपर फिल करते हैं, मतलब अपने आप को यहाँ पर डालते हैं, यानी ऐड करते हैं, ठीक है, सो दैट एनीथिंग विच इज़ कमिंग इन टू दिस वेल्स दे आर ओनली अलाउड टू इंटरैक्ट विद दिस एंटीजेंस नॉट विद दिस सरफेस सो दैट इट कैन नॉट अटैच. आई होप कि आपको शेडिंग सही से नजर आ रही है, राइट. सो हम अब तक क्या कर चुके हैं, हमें ओ एंटीजन डिटेक्ट करना था बाय द हेल्प ऑफ एलाइजा. नाउ व्हाट वी हैव डन टेकिंग द सैंपल इन टू द वेल एंड आफ्टर द सैंपल, यानी जब सब तमाम की तमाम एंटीजन इस पॉलीस्टायरीन की कैची सरफेस के साथ अटैच हो चुकी थी, हमने इसके ऊपर ब्लॉकिंग एजेंट डाल दिया. नाउ तो एंटीबॉडी हमें पता है कि कौन सी होती है, सो दिस इज अवर एंटीबॉडी. लेट मी चेंज द कलर सो इट विल मेक मोर फन, इट विल मेक मोर फन, राइट. दिस इज अवर एंटीबॉडी एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज स्पेशल इन दिस केस इज दैट इट हैज़ एन एंजाइम विच इज आई एम शोइंग विद ई. यहाँ पर वो ई वाला एंजाइम है, एंजाइम ये रहा जो इस एलाइजा के बेसिक टर्म में था, ई एंजाइम लिंक्ड, वो एंजाइम ये लिंक्ड हुआ है. आर यू अंडरस्टैंडिंग. सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी हैव दिस मैन मेड और आर्टिफिशियल मेड एंटीबॉडीज अटैच विद एंजाइम्स, वी नाउ पुट इन टू दिस वेल्स, ठीक है. सो दे एज वी नो के एंटीजेंस और एंटीबॉडी के जो इंटरक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं. दे अटैच विद देयर ओनली रिस्पेक्टिव रीजन्स और एट पॉइंट्स वेयर, जहाँ पर उनकी रिस्पेक्टिव एंटीबॉडीज या एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. सो ये जो शेप्ड है आपकी नज़र आ रही है, नाउ वी आर लुकिंग फॉर वट एंटीजन, ओ एंटीजन ना. तो ये जो राउंडेड शेप है ये आप कहाँ फिट करेंगे, यहाँ एम पे, नो राउंडेड नहीं, डब्ल्यू पे भी नहीं हो रही, या दिस इज फिटिंग ऑन देयर. लेट मी चेंज द कलर, राइट, एंड देयर इज अवर एंजाइम. यहाँ मैंने एक एंटीजन और एंटीबॉडी को दिखाया, वरना बहुत सारे होते हैं, थाउजेंड्स की या मिलियंस की तादाद में होते हैं. सो वंस वी एड अवर एंटीबॉडी, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर इसके ऊपर बफर डालेंगे, यानी बफर से इसको एल्यूट करेंगे, ये धोएंगे, इन शॉर्ट टर्म्स एल्यूशन, एल्यूट करेंगे विद बफर. सो क्या होगा कि जितने भी अटैच्ड एंटीबॉडी हैं वो इसके साथ रिमेन अटैच रहेंगे, यानी अटैच रहेंगे. और अगर इसके अंदर ये ओ एंटीजन नहीं होगा और ये इस जब इस एंटीबॉडी को अटैच होने कोई स्पेसिफिक एंटीजन नहीं मिलेगा, उसका एक स्पेसिफिक एपिटॉपिक रीजन नहीं मिलेगा जहाँ पर उसके हाइपर सेंसिटिव रीजन के अमीनो एसिड की कॉम्प्लीमेंटेशन मैच हो, तो वो बफर अपने साथ साथ उस अनअटैच्ड एंटीबॉडी को, अगर उसके अंदर एंटीजन नहीं होगा या फिर कुछ वो दूसरी एंटीबॉडीज अगर वहाँ प्रेजेंट होंगी तो वो उसको भी साथ साथ ले जाएगा. यानी नाउ हमारे पास एंटीबॉडी सिर्फ हमारे पर्टिकुलर ओ एंटीजन के साथ अटैच है, अगर इसमें ओ एंटीजन प्रेजेंट है. तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना सबस्ट्रेट डालेंगे. नाउ
दिस इज अवर सबस्ट्रेट विच इज कलरलेस. नाउ दिस सबस्ट्रेट और एस इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद दिस एंजाइम एंड नाउ इट इज टर्निंग इन टू एन कलरफुल ऑब्जेक्ट और प्रोडक्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये जो कलर इमिट करेगा ये हम लोग बाय मशीन्स डिटेक्ट करेंगे, राइट? और मशीन्स पर हमको बताएगी कि इतनी इंटेंसिटी शो हो रही है, ये इंटेंसिटी शो हो रही है या इंटेंसिटी शो नहीं हो रही है. सो दैट्स हाउ वी डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अवर रिस्पेक्टिव एंटीजेंस और एंटीबॉडी. नाउ इन दिस केस एंटीजन विच इज़ अ जनरल व्यू. आगे जाके हम लोग बात करेंगे कि उसकी टैब्स में किस तरह से हम लोग एंटीजेंस और एंटीबॉडी दोनों को डिफरेंट तरीकों से और किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. लेकिन इन दिस वीडियो में हम लोगों ने बात की कि हाउ वी जनरली डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अवर पर्टिकुलर एंटी जेंस. सो आई होप सो कि जो जनरल तरीका है एलाइजा को परफॉर्म करने का आपको समझ आया होगा. यू मे अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन रिएक्शंस एंड द जनरल व्यू ऑफ एलाइजा, द जनरल टेक्निक ऑफ एलाइजा एंड द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एलाइजा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड बाय.